नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आप लोगों के बीच में मेंसुरेशन की क्लास लेकर आया हूँ। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा, अब हम ऐसा करेंगे कि एक अर्थमेटिक का चैप्टर और एक एडवांस का चैप्टर साथ के साथ लेके चलेंगे। तो एडवांस में हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन क्या होती है भाई? मेंसुरेशन जो है वो दो प्रकार की होती है। इसका क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है, 2D और 3D। D से यहाँ तात्पर्य डायमेंशन से है, यानी विमा। जैसे एक आयत है, आयत क्या होता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। एक चतुर्भुज जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई, तो यहाँ जब उसका एरिया निकाल लेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें ये दो डायमेंशन होंगे, इसमें ये दो डायमेंशन होंगे। लेकिन अगर हम आयतन निकाल लें, जैसे घनाब का आयतन निकाल लें, तो यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी हमें? उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ हमें तीन डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो गया 3D। तो हम 2D में क्या क्या पढ़ते हैं? 2D में भाई पहला होता है त्रिभुज, दूसरा चतुर्भुज या बहुभुज। चतुर्भुज में क्या क्या आते हैं? वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये अलग अलग हैं। और इसी में आते हैं वृत्त, ठीक है। और 3D में क्या क्या आता है? 3D में होता है भाई घन घनाभ और शंकु, बेलन, गोला इत्यादि। तो आज हम 2D शुरू करते हैं, ठीक है। हम क्या शुरू करते हैं? 2D। और 2D में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज। 2D में हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज, ठीक है। मेरे साथ बताते चले कि त्रिभुज अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मोस्टली लोगों का आंसर होता है 3, जबकि ऐसा नहीं है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के हो भाई? दो प्रकार के। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है भाई कोणों के आधार पर। ठीक है। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जो तीन भुजाओं से घिरी होती है। जैसे अगर हम देखें कि ये क्या है, एक बिंदु है, और दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली एक सीधी रेखा को क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। दो बिंदुओं को आपस में जोड़ने वाली रेखा को लाइन कहते हैं। और अगर तीन बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ दें तो क्या बनता है? त्रिभुज। त्रिभुज एक तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है जिसके सभी कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब हम ये तो बाद में पढ़ेंगे कि भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, उससे पहले दो बातें हमें जाननी बहुत जरूरी है। त्रिभुज के बारे में दो बातें जाननी बहुत जरूरी है कि त्रिभुज किस प्रकार बनते हैं। त्रिभुज के लिए दो बात जो बेसिक बात है वो बहुत जरूरी है कि त्रिभुज की किन्हीं भी त्रिभुज की, जैसे ए बी सी कोई त्रिभुज है,
जिस ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, ए बी सी कोई एक त्रिभुज है। इसमें किन्हीं भी दो भुजाओं का, पहली बात क्या है इसकी बेसिक बात, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। मतलब कि a प्लस बी हमेशा, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, यानी a और b का योग हमेशा c से बड़ा, b प्लस c का योग a से बड़ा और c प्लस a का योग b से बड़ा होगा। इसकी पहली कंडीशन, कोई भी त्रिभुज तभी त्रिभुज होगा जब उसकी ये पहली बात सेटिस्फाई होगी। हम ये नहीं कह सकते कि दो तीन पाँच, कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दो तीन पाँच होगी उसका क्षेत्रफल निकाल लो। अक्षेत्रफल तो बाद की बात है, पहले ये त्रिभुज ही नहीं है, क्योंकि ये देखो ये इस बात को सेटिस्फाइड ही नहीं कर देगा कि दो भुजा दो तीन पाँच बड़ी होनी चाहिए पाँच से, लेकिन ये तो क्या है बराबर है, तो ये त्रिभुज ही नहीं है। ठीक है, अक्षेत्रफल और परिमाप वो तो बाद की बात है, पहले ये सीखो कि त्रिभुज बनता किस प्रकार है। तो पहली बात होगी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, इन्हें मेरे साथ नोट करते चलें, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक है, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। इसका मतलब है कि a माइनस बी लेस देन होंगे c से, b माइनस a लेस देन हो, b माइनस c लेस देन होंगे a से और c माइनस a लेस देन होंगे b से। ठीक है, जैसे अगर हम समझें, हमने एक त्रिभुज लिया 6, 8, 10, तो इसकी दो कोई भी दो भुजा जोड़ के देखें आप, 6 और 8, 14, 10 से बड़ी है, 10 और 8, 18, 6 से बड़ी है, 10 और 6, 16, 8 से बड़ी है। ठीक है, या अब इन दो भुजाओं का अंतर, 10 और 8 का अंतर 6 से छोटा है, 8 और 6 का अंतर 10 से छोटा है, 10 और 6 का अंतर 8 से छोटा है, यानी ये दोनों बात सेटिस्फाइड है। इसका मतलब ये एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, ठीक है, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक है, ये दोनों बातें नोट कर। अब इसके बाद हम बात पे आते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर, और इनके सब पार्ट होते हैं, ये भी तीन तीन भागों में विभक्त होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, दूसरा होता है समद्विबाहु और तीसरा होता है भाई समबाहु। विषमबाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जैसे अभी हम 6 8 10 का एग्जाम्पल देख रहे थे, तो वो क्या था, विषमबाहु त्रिभुज था। ठीक है, समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए ए ये बी दे दे। ठीक है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हुए, तीन प्रकार के, पहला विषमबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा समबाहु। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जैसे ए बी सी। ठीक है, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो।
अब कोणों के आधार पर देखें तो कोणों के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है, दो तीन प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर यानी एंगल के। पहला होगा न्यून कोण, दूसरा होगा समकोण और तीसरा होगा अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब है जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री ना हो। न्यून कोण की परिभाषा क्या है भाई? जिसका कोई भी कोण, जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से, जिसका प्रत्येक कोण, सॉरी, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी जैसे हम ले लें ये 50, ये 60 और ये 70, या समबाहु त्रिभुज ले लें जिसके प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री होवे, तो ये सब क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है, यानी इसका कोई भी कोण 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है समकोण, जिसका समकोण में क्या है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, और ये थीटा होगा, और दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। थीटा हम उस एंगल को मानते हैं जहां से प्रेक्षक देखने वाला किसी बिल्डिंग या भवन को देखता है। ठीक है, और तीसरा होता है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और उसके सभी कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज वही चीज होगा जिसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा या दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है। और त्रिभुज के प्रकार की अगर हम बात करें तो त्रिभुज दो प्रकार का होता है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। ठीक है, भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का होता है, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, और कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। अब कई बार दिक्कत हो जा कि हमें पता कैसे लगे कि ये न्यून कोण है, अधिक कोण है या समकोण है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? हमें ये तो पता, जैसे ये भुजा इसकी ए, ये भुजा बी और ये सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये बेस आधार और ये लंब होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होवे, और यहां ये थीटा है तो इसके सामने लंब होता है, और ये भुजा जिस पे वो लंब है वो आधार होता है। ठीक है, आधार, तो इसमें हमें पता ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय, एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने एक प्रमेय सिद्ध की थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमेशा कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को शायद ना पता हो कि यही चीज हम न्यून कोण में भी साबित कर सकते हैं कि ए बी सी कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से तो ये हमेशा न्यून कोण होगा। अगर हमें एंगल ना दिए हों, भुजाएं दी हों ए बी सी, कोई भी भुजाएं दी हों, ठीक है, और हमें देखना हो कि ये कौन सा कोण है, एक्यूट है, ऑब्सट्यूट है या राइट एंगल है, तो हमें क्या करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अगर बड़ा है सी स्क्वायर से तो ये न्यून कोण है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर से तो ये अधिक कोण होगा। ये छोटी छोटी बातें भाई नोट करते चलें, ये आगे क्वेश्चनों में बहुत काम देंगे। हमें अगर पहचान करनी हो कि ये समकोण है, न्यून कोण है,
या अधिक कोण है। तो उसके लिए ये तीन बातें याद रखें, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी बड़ा बराबर है सी स्क्वायर के, तो ये है समकोण। यहाँ ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, तो ये न्यून कोण। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर से, तो ये अधिक कोण। ठीक है, जैसे भाई हम एरिया या परिमाप की बात करें, तो किसी भी आकृति का अगर हम एरिया, अक्षेत्रफल या परिमाप की बात करें, परिमाप पैरामीटर की बात करें, तो परिमाप जैसे हम त्रिभुज की बात करें, तो परिमाप क्या है, परिमाप अगर हम देसी भाषा में देखें, परिमाप क्या है, जहां से हम चले चलकर वहीं वापिस आना। बी से सी पे गए, सी से ए पे गए और ए से वापिस बी पे आ गए, तो जहां से स्टार्ट हुए वहीं वापिस आने को ही क्या कहा जा, परिमाप कहा जा, यानी तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, ये कहलाता है भाई परिमाप। यानी कोई भी आकृति हो उसकी सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है, ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें, तो अगर जैसे ये एक खेत है, ए बी सी एक त्रिकोणा खेत है, यानी त्रिभुजनुमा खेत है, और इसमें हमें घास लगानी या पार्क है, तो हमें इसके अंदर जो हर चीज टच कर रही, इसके अंदर की सारी जो वो है वो पूरी टच करना, ठीक है, इसका पूरा ये जो है, या इसे हम एक कपड़े से ढक दें, जो पूरा कपड़ा आएगा वो क्या होगा, इसका पूरा अक्षेत्रफल होगा। और त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास कई फार्मूले हैं, उनमें कुछ प्रमुख फार्मूले, दो तीन फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हीरोन्स फार्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। और एस क्या है, एस है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस कहलाता है। यानी एस क्या है भैया, हाफ पैरामीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन बोलना, मैं जैसे वो कहे कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, ना तो उसने समकोण कहा, ना उसने विषम बाहु कहा, ना उसने न्यून कोण कहा, कोई भी, उसने सीधा कहा कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं तीन चार पांच है, ठीक है, इसका एरिया बताओ आप। तो हमें वैसे तो 888 से हमें पता लग रहा कि ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि ये क्या है, तो हम इसमें किसी भी त्रिभुज में का एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका है हीरोन्स फार्मूला। अब हम इन सब का योग करेंगे, तीन और चार सात और पाँच बारह, इसका परिमाप कितना हो गया, बारह, और हमें चाहिए इसका आधा, तो एस बराबर आ गया बारह बाई टू, यानी छः। अब इसका मान हम इसमें रखें तो छः में से तीन घटाए, भाई अर्ध परिमाप एस माइनस ए, छः में से तीन घटाए तो तीन, छः में से चार घटाए तो दो, और छः में से पाँच घटाए तो एक, तो छः गुणा छत्ती अठारह दूनी छत्तीस, छत्तीस का वर्गमूल कितना होता है भाई, छः। तो इसका एरिया कितना हो गया, छः हो गया। ये तो हो गया हीरोन्स फार्मूला। अब दूसरा फार्मूला, अगर एक त्रिभुज, दूसरा फार्मूला होता है साइन रूल, साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास जैसे एक त्रिभुज दिया जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 और ये कोण 90 डिग्री दिया, साइन रूल कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो भुजा हो, मान लो ये भुजा भी नहीं है, ठीक है, उसके पास 6, 8 है और उनके बीच का एंगल है, तो वो कहता है कि दो भुजाओं का गुणनफल ए गुणा बी और उनके बीच में बना एंगल साइन थीटा,
अगर हमारे पास है तो हम त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं साइन रूल। यहीं से समकोण त्रिभुज का एरिया का फार्मूला बना कि 1/2 लंब गुणा आधार, ठीक है। और हमें यहीं तक ही पढ़ाया जाता है, जबकि ये पूरा है साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए आज तक हमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया कि 1/2 लंब गुणा आधार, जबकि होना क्या चाहिए है, क्या वो 1/2 लंब 6 आधार 8 और उनके बीच का कोण 90, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 6 गुणा 8 और इसका मान 1, तो कितना हो गया भाई, 2 × 8 = 6 × 24 24 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यही चीज अगर हम देखें कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं सभी भुजाएं बराबर होती हैं और ये कोण कितना होता है 60 डिग्री, इसका अक्षेत्रफल का फार्मूला तो वो भी यही तो होगा, 1/2 गुणा दो भुजाओं का गुणनफल ए गुणा ए, ठीक है, और उनके बीच का एंगल साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है 1/2 ए गुणा ए और इसका मान होता है √3/2। तो यहीं से तो ये फार्मूला बना √3/4 a² इसे हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a², जबकि ये सब क्या है साइन रूल है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज से। या तीसरा फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हो वो बहुत कम यूज हो है, वो त्रिज्या के आधार पर, तो उसका फार्मूला होता है आर या डेल्टा बराबर त्रिभुज का एरिया बराबर ए बी सी 4 रेडियस। ये होती है रेडियस, एक वर्ग के अंदर अगर त्रिभुज हो और उसका हमें एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है ए बी सी तीनों भुजाओं का गुणनफल 4 गुणा रेडियस, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण यानी राइट एंगल, हम स्टेप बाय स्टेप सारे त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज से शुरू करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री और दूसरा थीटा और तीसरा 90 - थीटा होता है। क्यों? क्योंकि सभी कोणों का योग कितना होता है भाई, सभी कोणों त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180, तो थीटा से थीटा कटेगा तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो a² + b² = c² होता है, ठीक है। और इसमें हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे 888 का। 888 क्या है? एक सर्वसमिकाएं हैं, ठीक है, यानी सिद्ध की हुई हैं। जैसे सबसे छोटी 888 3, 4, 5 है, जैसे सबसे छोटी 888 3, 4, 5 है। अब ये दूसरी, इसमें 2 की गुणा कर दो 6, ये 8, ये 10, ठीक है, इस तरह आती है। लेकिन ये हमें रटने की जरूरत नहीं है, अगर हम रटेंगे थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे। इन्हें याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे 3, 4, 5 है, ठीक है, तो आप फोकस करो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो। 9 को अगर हम 2 से भाग करें तो 2 × 8 आएगा, यानी एक भुजा 4 होगी और एक उससे बड़ी 5 होगी। जैसे इससे अगली विषम संख्या 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो 12 और 13, तो अगली होगी 12 और 13। जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये होगा 24 25। जैसे 9 है, 9 का कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर 81, तो उसके ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो 40 41। जैसे इससे अगली हम ले 11, हम अभी विषम पे चल ले, ठीक है, इसकी सबसे छोटी भुजा का स्क्वायर 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है,
तो 11 का स्क्वायर होगा भाई 121, और 121 में क्या आएंगे 60, 61। 13 का स्क्वायर 169, 169 का टुकड़े क्या होंगे 84, 85। ठीक है, अब ये तो हो गए विषम पे। अगर हम सम पे देखें 888 सबसे छोटी होगी 6, 8, 10, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है भाई 36। अब 36 को हमें 4 से भाग करनी, यहाँ हम 2 से भाग कर रहे थे, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 4 से भाग करो 9 आएगा, तो 9 के एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ठीक है 6, 8, 10, इससे अगल 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 को 4 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 16, तो उसके इस तरफ 15 और इस तरफ 17। जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है, तो 100 को जब 4 से भाग करेंगे तो बीच में आएगा 25, यानी 24 और 26। 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 36, ठीक है, तो ये क्या होगा 35, 37, ठीक है, तो इन्हें कहीं तक भी वो याद कर लो, ठीक है। अब इनका फायदा कहाँ होता है, 888 का फायदा कहाँ होता है, तो देखो जैसे आप लोगों को कहा कि एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिस एबीसी जो बी पर समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, जिसमें एसी 17, एसी 17 है और बीसी 15 है, तो त्रिभुज का एरिया ज्ञात करो, उसने क्या दिया भाई, त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी दिया जिसमें B पर समकोण है, B पर समकोण का मतलब क्या है कि B के सामने की भुजा कर्ण है, ठीक है, यानी जैसे हम 3, 4, 5 करें तो इसका ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, ये लंब और ये आधार, ठीक है, तो उसने कहा कि B के सामने की जो भुजा AC है उसकी लंबाई उसने 17 दी, ठीक है, BC 15 दिया और उसने अक्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दिया, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, अगर हम वैसे ही मेथड से करें तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर, और यहाँ 17 का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ 15 का स्क्वायर और यहाँ से ए बी निकाल लेंगे, तो ये होगा 17 का स्क्वायर 289, फिर 15 का स्क्वायर 225, तो ए बी का स्क्वायर बराबर आएगा 64, तो ए बी बराबर कितना होगा 8, तब जाके हम लगाएंगे 1/2 8×15 और उत्तर आएगा 60, ठीक है, हमें क्या लगानी पड़ेगी, पूरी पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम 888 है, अगर हमें 888 के बारे में पता है, तो हमने देखा यहाँ 17 आया, तो 17 किसका है, 17 की 888 है 8, 15, 17, ठीक है, तो एकदम याद आ गया 17, देखते ही 8, 15, 17, और 8, 15, 17 का मतलब 1/2 8×15 यानी 15 × 60, ठीक है। अब जैसे उसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज, लैंग्वेज तो उसकी यही रहेगी, उसने एक दी 9, ये दी 40, ठीक है, और नहीं उसने दिया कि उसका लंब ए बी 9 है, ए सी 41 है और एरिया पूछा, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 में से 41 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 40, तो 888 क्या है 9, 40, 41, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल 1/2 9×40, तो कितना आ गया 20/180, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा भाई 180। जैसे
जिसे उसने कहा कि एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 10, ये भुजा 12, नहीं ये भुजा दी 10, ये दी 26 और अक्षेत्रफल पूछा, तो सीधा क्या हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 25, 10 का स्क्वायर 100, इसे चार से काटेंगे तो 25, यानी एक तरफ 24, एक तरफ 26, 10 26 है तो यहाँ क्या आएगा 24, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, 10 गुणा 24, ठीक है। जब भी 10 जीरो वाली की गुणा कर रहे हो तो हमेशा दूसरी संख्या को काटो, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ से इसे 5 से काट देंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इसे ना छेड़ें, जीरो को ना छेड़ें, इसे काट लें, ये हो गया 12, 12 के पीछे एक जीरो लगानी, 120, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, हमारी स्पीड बढ़ाएंगी और स्पीड बूस्टर करेंगी। अगर यहाँ से हम काट भी देते जैसे 1/2 गुणा 10 गुणा 24 है और हमने ये 5 आ गया, तो इससे भी ना घबराओ, 24 का आधा करो 12 और उसके पीछे जीरो लगा दो, जैसे 48 की 5 में गुणा करनी है हमें, तो इसका आधा लिखो 24 और जीरो लगा दो, ठीक है। जैसे 96 है, 96 की 5 में गुणा करनी, तो 96 का आधा कितना होता है 48 से 10, तो ये समकोण त्रिभुज में 888 से हमें निकालना सीखा, ठीक है। इस पर अगर इसका परिमाप ज्ञात करना हो तो परिमाप क्या हो जाएगा, 24 और 10 34 और 26 कितने हो गए भाई 60, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और, एक बहुत बेहतरीन जो एसएससी में कई बार रिपीट क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है जिसमें जिसमें ए बी 6, बी सी 8, ए सी 10 है, पी ए सी पर पी बिंदु बी से ए सी पर लंब डाला गया है, तो P की लंबाई ज्ञात करो, जो ऑप्शन थे वो थे 5, 4.8, 6 और 5√3, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ और इसमें एक थोड़ा चेंज करके तीसरी बार रिपीट हुआ, वो भी मैं बताऊंगा आपको, पर पहले ये क्वेश्चन देखो, इसका फिगर अगर मैं बनाऊं तो फिगर कुछ इस तरह बनेगा इसका, उसने बी पे समकोण का ए बी उसने 6 दी, बी सी 8 दी और ए सी उसने 10 दी, ना भी देता तो 888 से आ जाती, और उसने कहा बी से ए सी पर एक लंब डाला गया जिसकी लंबाई P है और उसने P की लंबाई पूछा, ठीक है। तो अगर हम इसे सोल्व करें, एक तो तरीका है मैं इसे डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, और एक तरीका है मैं इसे आपको बेसिक से भी कराऊं उसके बाद आपको डायरेक्ट बताऊं, तो पहले हम इसे बेसिक से देख रहे हैं। तो देखो इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 6 × 8, ठीक है। 1/2 भाई इस त्रिभुज का एरिया अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कर सकें, इसे ये लंब लेंगे, ये आधार लेंगे और एक गुणा 1/2 कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल आया 24, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि हम इस त्रिभुज को थोड़ा घुमा दें, मान लो हमने ये इस तरह रख दिया, ये बी है, ये ए सी है, ठीक है, और ये पी इसकी लंबाई है और ये लेंथ है इसकी 10, ये है
बी सी है 8 और ये 6 है, तो हमें इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हमने अब की बार आधार इसे मान लिया, तो इसका अगर हम एरिया निकाल लें तो ये होगा 1/2 गुणा 10 और गुणा पी। ठीक है, अब पी की लेंथ तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें इस भाई त्रिभुज तो वही है ना ए बी सी, और ये भी ए बी सी वही त्रिभुज है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो 1/2 गुणा 10 गुणा पी बराबर 24, तो यहाँ से इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो 10 पी बराबर कितना हो गया, 10 पी बराबर हो गया 48, तो पी की लेंथ कितनी हो जाएगी 4.8। ठीक है, ठीक है, ये तो इसका बेसिक तरीका है। अगर हम इसका सीधा तरीका देखें, अगर हम इसका डायरेक्ट तरीका देखें, तो हमेशा इन दोनों की गुणा, हमेशा पी इक्वल होगा इन दोनों की गुणाओं के, 6 × 8 और बटे जितना इसका कर्ण है, तो उत्तर हो जाएगा 4.8, यानी दोनों छोटी भुजाओं की गुणा बटे में बड़ी गुणा से भाग, तो ये क्या आ जाएगा, इसका पी का डायरेक्ट मान आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों की गुणा और भाग कर दिया इससे, तो 6 × 8/10 बराबर 4.8। ठीक है, अब जो क्वेश्चन एक बार आया था बदल के एसएससी सीजीएल में, तो उसमें क्वेश्चन तो सारा सेम ही था कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है जिसमें ये है, लेकिन उसमें उसने क्या कहा गया था, डाला गया है और एसी, उसमें कहा था कि और एसी एक परिवर्त का व्यास है, डायमीटर है, बस इतनी लाइन जोड़ी थी उसमें, और एसी एक परिवर्त का व्यास है, यानी एक परिवर्त है उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है और उसका केंद्र बिंदु मान लो ओ है, ओ से पी पे लंब डाला, ये हो गया एसी, ये हो गया बी, ये 6, ये 8, ये 10, ये पूरी लेंथ, और पी की लंबाई पूछी थी, तब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जा, वैसे तो ज्योमेट्री का पार्ट है लेकिन इसी से अटैच है तो यही बता रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें कुछ नहीं करना होता, हमें पता है कि वृत्त से, वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त की किसी भी परिधि पर किसी बिंदु को मिला दे तो वो उसकी त्रिज्या हो गए। तो देखो यहां से यहां तक त्रिज्या है, ओ बी त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है, ओ सी त्रिज्या है, ए बी ए सी क्या है, इसका व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी, तो ये 5, ये 5, तो ये भी 5। अगर परिवर्त के अंदर है तो जो बड़ी भुजा है उसका हाफ कर दो, ठीक है भाई, अगर उसके अंदर है, अगर उसके अंदर नहीं है, सीधा पूछा गया कि ये भुजा मान लो उसने दी 5, ये दी 12 और ये दी 13, तो क्या होगा, 5 × 12/13 यानी 60/13, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 60/13 होगी। ठीक है, जैसे वो 10, 24, 26 पे दे दें तब भी क्या होगा, उसका उत्तर 60/13 ही होगा भाई, 10, 24, 26, तो ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया 120/13, उत्तर क्या हो जाएगा, 120/13। तब हमें क्या करना, इन दोनों के गुणनफल बटे में ये, ठीक है, लेकिन अगर वो परिवर्त के अंदर है, परिवर्त एक त्रिभुज के बाहर, एक वर्त एक सर्किल ड्राइव कर दें हम, तो वो क्या होगा, हमेशा उसकी त्रिज्या के इक्वल होगा। ठीक है, देखो भाई अगर यही अभी समकोण समझाया, इसके बाद समबाहु त्रिभुज देखो, अभी इनकी बेसिक बेसिक बता रहे, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। ठीक है, अब अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो एरिया वही होगा 1/2, ठीक है, ए इसकी प्रत्येक भुजा हमने ए मान दी, तो ये होगा ए गुणा ए और इनके बीच का एंगल, एंगल कितना है इनका, साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से
ये हो गया 1/2 ए स्क्वायर, और साइन 60 का मान हुआ है √3/2, तो ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। और इसकी भुजा, अगर हम इसकी भुजा, ये ऊंचाई निकालने की बात करें, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालनी हो तो देखो भाई, एरिया तो याद हो गया, क्या होगा, एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, इसे डायरेक्ट याद रखेंगे √3/4 ए स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होगा इसका तीनों भुजाओं का योग, यानी 3 × a 3a, ठीक है। अब अगर हमें इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ी, ठीक है, ये a होगा, ये a होगा, समबाहु त्रिभुज की सबसे खास बात क्या होती है कि हम इसे चाहे लम यूज करें चाहे इसे मध्यिका यूज करें, इसकी ये मध्यिका भी है, इसका ये लम भी है, और इसकी ये इस भुजा को ये ऊंचाई उसी अनुपात में विभक्त करेगी जिस अनुपात में ये भुजाएं होंगी। अगर ये एक एक के अनुपात में है तो ये भुजा भी एक एक के अनुपात में होगी, तो ये कितनी होगी a/2, और ये कितनी होगी a/2, ठीक है। अगर इसे हम h मान लें तो यहाँ इसके सामने की भुजा एक कर्ण होगी, ये इस पर का आधार होगा, और ये लंब निकाल लेंगे तो ये क्या हो गया h का स्क्वायर बराबर a² - a² / 4, और अंडर रूट इसके ऊपर आ जाएगा, तो h बराबर कितना हो गया 4a² - a² यानी 3a² / 4, यानी यहां से a बाहर आ जाएगा √3 अंदर, और 4 में का 2 बार आ जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2a, ठीक है। अब देखो ये तो हो गए इसके बेसिक फार्मूले, लेकिन हमें इस तरह नहीं यूज करना। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था पिछले साल प्रीवियस ईयर में, उसमें कहा क्या गया था कि समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का एरिया 36√3 है, तो मध्यिका की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। ऑप्शन थे भाई 3√3, 6√3, 8√3, ठीक है, ये ऑप्शन थे। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बेसिक वैसे करें तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 36√3, यहां √3 से √3 काटेंगे, ए स्क्वायर बराबर 36 × 4, यानी a बराबर 6 × 2 = 12 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर हम इसमें मान रखेंगे √3/2 × 12, और उत्तर आएगा 6√3, ठीक है। मध्यिका की लंबाई हम इस तरह निकाल लेंगे, निकाल तो हम 20-25 सेकंड में देंगे, लेकिन ये 20-25 सेकंड भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी अगर हम 20 सेकंड लगा रहे तो 10 क्वेश्चनों का मतलब हो गया 2 मिनट खत्म, 200 सेकंड खत्म होगी हमारी, यानी 3 मिनट से 20 सेकंड हमारी चली गई, ठीक है। वो भी ऐसे क्वेश्चनों में जिन्हें हमें देखते ही उत्तर लगाना होता है। याद रखो इस बात को, नोट करो, अगर एरिया से मध्यिका की तरफ जा रहे हो, मध्यिका की तरफ, ठीक है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मध्यिका से एरिया की तरफ, तो हमें क्या देखना, जैसे उसने कहा समबाहु त्रिभुज का एरिया 36√3 है, तो मध्यिका की लंबाई ज्ञात करो, तो हमें कुछ नहीं करना, √3 को √3 ही पढ़ना, ठीक है, और इसका अंडर रूट निकालना सिर्फ, 36 का अंडर रूट कितना हो गया 6√3, तो उत्तर हो गया 6√3। तो देखते ही उत्तर मारने में कितने सेकंड लगे भाई, समबाहु त्रिभुज का एरिया 36√3 है, मध्यिका की लंबाई बताओ, तो हमें क्या करना, √3 तो पढ़ना ही, और इसका अंडर रूट कितना हो गया 6, तो उत्तर हो गया 6√3, कितने 4 सेकंड, ठीक है। अब अगर हमें दूसरा क्वेश्चन दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके मध्यिका की लंबाई 7√3 है, तो उसका
अक्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें क्या करना भाई, 7√3 है यानी मध्यिका से इस तरफ जा रहे, तो √3 ही लिखना, और 7 + 7 = 49, तो इसका उत्तर क्या होगा, 49√3। ठीक है, इसमें क्या करना हमें, समबाहु त्रिभुज में जैसे एरिया दे दे, ठीक है, देखो उसने दिया समबाहु त्रिभुज का एरिया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एरिया है, दिया उसने 144√3। ठीक है, अब यहां से वो क्या क्या पूछ सके, यहां से पूछ सके वो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, या पहले पूछेगा मध्यिका, अभी तक मध्यिका समझा दी, उसके बाद पूछ सके वो परिमाप, ठीक है, परिमाप या भुजा तो निकाल ही लेंगे, भुजा भी लिख लो, तो हमें से हल करने की जरूरत नहीं होती। समबाहु त्रिभुज का एरिया अगर 144√3 है तो मध्यिका हमें क्या करना, √3 तो ऐसे ही लिखना, और इसका अंडर रूट निकालना, बस 12√3। ठीक है, अगर उसने क्या पूछा भाई, अगर उसने पूछा परिमाप तो √3 भूल जाओ, ठीक है, इसका अंडर रूट निकल गया 12, उसमें सीधा 6 की गुणा कर दो, 12 × 6 = 72, तो परिमाप कितना हो गया, 72। ठीक है, अगर भुजा निकालनी हो तो इसका अंडर रूट 3 भूल जाओ, इसका कितना आया 12, और 12 × 24, तो इसकी एक भुजा कितनी होगी, 24। ठीक है, समझ गए, जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूं, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप दिया, समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया, अब की बार एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप भाई उसने दिया 48। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 48 है, और उसने पूछा क्या क्या, उसने पूछा त्रिभुज का, यहां पूछेगा वो एरिया, ठीक है, या मीडियन मध्यिका, या उसकी साइड भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 है, तो हमें क्या करना, अगर हम परिमाप से इनमें किसी पे भी जाएंगे तो परिमाप को 6 से भाग करना, ठीक है, हमें 6 से भाग करेंगे तो ये कितना आया, 6 × 8 = 48, तो मीडियन होगी इसकी 8√3। ठीक है, अगर उसका अक्षेत्रफल निकालना तो 68 + 64√3, ठीक है, और साइड ये 8 आया तो यू 16, ठीक है, तो ये हो गया संभव। तो हमें ये नहीं कि 48 दिया, यहाँ 3 ए लिखें, फिर 48 लिखें, फिर यहाँ से हम ए का मान निकाल लें 16, फिर हम उसे इसमें रखें √3/4 × 16 × 16, ये 16 × 64 = 64√3 निकाल लें, या यहाँ से हम 3 ए की वैल्यू 16 आ गई तो फिर हम इसका मान √3/2 × 16 इस तरह लिखें 8√3। तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें इनमें से कोई भी चीज़ है तो हमें उसका रिलेशन देखना, उसका रिलेशन किस तरह है मैं आपको दोबारा नोट करवाता हूँ, इसे पूरे को नोट करें। अगर मीडियन दी हुई है, मीडियन से हमें एरिया की तरफ जाना, ठीक है, जैसे उसने मीडियन दे दी 8√3, तो हमें यहाँ इसका क्या करना, स्क्वायर करना, यहाँ हो जाएगा एरिया में 64√3, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना, परिमाप, तो हमें गुणा मीडियम में गुणा करनी 6 की, ठीक है, अगर हमें निकालनी भुजा तो मीडियन, और ये √3 हटाना, ये √3 हटाना भाई का, ठीक है, तो भुजा में करना जो √3 हटाने के बाद मीडियन बच रही उसमें 2 की गुणा, ठीक है, जैसे 8 मीडियन दी उसने 8√3, तो उसका एरिया पूछा तो डायरेक्ट लिखो 68 + 64 और इसके पीछे √3 रख दो, ठीक है। अगर उसने परिमाप पूछा तो √3 भूल जाओ, 8 × 48,
ठीक है, अगर उसने भुजा पूछी तो 8 × 2 = 16, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।